हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैंडी कैमेरा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विंडाडोल प्लस सस्पेंशन के बारे में। ये सस्पेंशन बच्चों में किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है, इसके यूज़, डोज, साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो विंडाडोल प्लस सस्पेंशन है, ये 10 ml की पैकिंग में आता है और इसका प्राइस 35 rupees है और ये लीफूड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। और इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें अविंडाडोल 200 mg और आइवरमेक्टाइन 1.5 mg पाया जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके यूज़ के बारे में, ये किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जो अविंडाडोल प्लस सस्पेंशन है, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जो कि अगर बच्चों में पेट में कीड़े पड़ गए हों, ये पेट में कीड़े कई प्रकार के होते हैं जो कि हम आगे वीडियो में जानेंगे, तो उन कंडीशन में ये डॉक्टर द्वारा बच्चों को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर बच्चों में पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उनमें पेट में दर्द होता है, उनको पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं, नौजिया, वॉमिटिंग फील होता है, डायरिया होने लगता है, मीनिंग दस्त, स्टूल में ब्लड भी आ सकता है और मेनली बच्चों में HPV लो हो सकता है, मीनिंग खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चों में थकान, चिड़चिड़ापन, पेट में गैस, खाना ना खाना और वेट लॉस हो सकता है। और इसमें एक तरह का कीड़ा जो कि थ्रेड बॉम होता है, उसकी वजह से बच्चों में टॉयलेट वाली जगह से खुजली हो सकती है और जिससे बच्चों में डिस्टर्बेंस स्लीपिंग हो सकती है, मीनिंग उनको नींद आने में प्रॉब्लम होती है और उनका मूड भी चिड़चिड़ापन हो जाता है। अब जान लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में। अगर आपके बच्चे की एज 2 years से ज़्यादा है तो उसको फुल 10 ml बॉटल दी जाती है। इस बॉटल को देने से पहले प्रॉपर शेक कर फिर इसको दें। और अगर आपके बच्चे की एज 2 years से कम है तो उसको 10 ml की हाफ बॉटल दी जाती है। दोस्तों, इस सस्पेंशन को खुद से बच्चों को ना दें, पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस से इसको यूज़ करें। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसको देने के बाद बच्चों में क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बच्चों को नौजिया, वॉमिटिंग, दस्त और उनको भूख नहीं लगती, ईचिंग हो सकती है स्किन पर और डिजीनेस होता है, मीनिंग चक्कर आ सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं जो बॉम्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे टेप बॉम्स कीड़े के बारे में। ये बहुत ही पतला सा और टेप की तरह कीड़ा होता है जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से बच्चों में पाया जाता है। सेकंड थ्रेड बॉम होता है, जे इसको पिन बॉम भी कहा जाता है। ये भी एक तरह का पतला सा धागे की तरह कीड़ा होता है जो कि बच्चों में टॉयलेट वाली जगह से बाहर आता है और जिससे बच्चों में बहुत ही खारिश और चिड़चिड़ापन होता है। थर्ड है राउंड बम, ये बच्चों में ब्लड के थ्रू लंग्स में जा सकते हैं कीड़े और ये 30 से 35 cm लंबे होते हैं। फोर्थ है हुक बम, ये वाला कीड़ा बच्चों में खून चूसता है जिससे बच्चों में खून की कमी आ जाती है। कई बार बच्चों में मिट्टी के थ्रू भी कीड़े आ सकते हैं बिकॉज बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी विंडाडोल प्लस सस्पेंशन के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।